तो चलिए बच्चों, वेक्टर टॉपिक में से एक मस्त सवाल करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन एडवांस दोनों में, दोनों के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टेप वाइज जाएंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ध्यान यहाँ पे देना है, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट दिया है ऑन ए लाइन, ठीक है, एक लाइन है वहां, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसी पॉइंट से। तो मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करता हूं आपके लिए, ठीक है। तो एक लाइन मैं यहां पे लेता हूं, हॉरिजॉन्टल लेना जरूरी नहीं है लेकिन आसान हो इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं। स्टेप वन करेंगे हम, स्टेप वन में मैं ये क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है, कैसे दिखेगा। तो एक लाइन सपोज हमारी ऐसी एक लाइन है, बराबर, इस पर क्या किया बोल रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है। तो वो जो पॉइंट है मैं यही कहीं मान लेता हूं, परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है मान लेते हैं हम, ठीक है। और यहां पे कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट से, कौन से पॉइंट से डाला है, 103, यहां पे नाम देता हूं P जो कि है 103, ओके सर। लाइन पासिंग थ्रू, अभी क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है, मतलब अगर थोड़ी सी भी चूक कर दी, इधर का पॉइंट उधर चला गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, ये है, ये आराम से पहले से क्वेश्चन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू, ये जो लाइन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर में ऑफकोर्स यहाँ पे 90 डिग्री होगा, बराबर, ऑन द लाइन पासिंग थ्रू, ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज ये है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये नहीं, ये है, बराबर। तो इसको मैं नाम देता हूं Q जो कि है 5/3 कॉमा 7/3 और 17/3, अच्छा चल समझ में आ गया। और ये जो और एक पॉइंट दिया है जिसमें से ये लाइन जो है पास हो रही है, वो कहीं पे भी ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, मैं वो पॉइंट यहां पे भी ले सकता हूं, अल्फा 7 और 1, या फिर इस साइड में भी आप वो पॉइंट ले सकते हो। अच्छा सर, इतना तो समझ में आ गया, आगे कैसे करेंगे वो हमको बताओ सर। देन अल्फा इज इक्वल टू, इस पॉइंट में एक अननोन है, यहां पे अल्फा दिख रहा है आपको, एक कोऑर्डिनेट अननोन है, वो हमको फाइंड करना है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, ध्यान देना है आपको बस यहां पे। तो इसके अलावा एक वेक्टर निकाल सकते हो आप, इस पॉइंट को भी नाम देते हैं सर, कुछ तो नाम दे दो इसको, आर नाम देता हूं, चलो। तो इस पॉइंट के, इस लाइन के अलावा अगर मुझे वेक्टर निकालना है, मान लीजिए ये वाला, इस वेक्टर का नाम हम नाम देते हैं QP Q2P या PQ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो PQ करते हैं। तो PQ का एरो फिर ऐसा आएगा, नो प्रॉब्लम, ओके सर। उसके बाद हमको क्या करना है, QR, इसके अलावा एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं QR। तो हमको क्या करना है, QP और QR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो PQ वेक्टर कैसे होगा, सिंपली आपको क्या करना है, वेक्टर PQ इज इक्वल टू Q-P होता है। Q-P मतलब कैसे सर, हमको ज़रा एक्सप्लेन करके बताओ। Q पॉइंट कहाँ पे है, 5/3, 7/3, 17/3, ओके, माइनस P करना है, P क्या है, 103, कर दो फिर कितना आता है, यहां पे लिखता हूं अगला पार्ट में, तो PQ वेक्टर कैसे आया हमारा, वेक्टर PQ इज इक्वल्स टू 5/3 - 1, 7/3 - मतलब फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड, कोऑर्डिनेट x माइनस एक्स, वाई माइनस से वाई, कोऑर्डिनेट करना है आपको। 5/3 - 1 अगर मैं करता हूं, यहां पे करते हैं 5/3 - 1, 3 × 1 = 3, 5 - 3 तो ये 2/3 आता है, राइट, तो ये आएगा
टू बाय थ्री उसको हमको आई यूनिट वेक्टर उसको अटैच करना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एरो दिखाओ, बार दिखाओ, नहीं दिखाओ, इट्स ओके। सेवन बाय थ्री माइनस जीरो तो सेवन बाय थ्री ही आएगा सर, यहाँ पे हम जे करेंगे बराबर, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट वाई के साथ जे होता है यूनिट वेक्टर। सेवनटीन बाय थ्री माइनस थ्री करते हैं सर, सेवनटीन बाय थ्री माइनस थ्री कितना आएगा, तो थ्री इंटू थ्री नाइन, सेवनटीन माइनस नाइन ये एट बाय थ्री आएगा सर, तो प्लस एट बाय थ्री के, क्लियर। आई होप अगर दो एंड पॉइंट्स है आपके पास तो उसके अलोंग का वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर पी क्यू निकालना है तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट करना है, तो मैंने पी क्यू के लिए क्यू माइनस पी करना है, पी माइनस क्यू नहीं, तो ध्यान देना है, ठीक है। ओके सर, पी क्यू का तो हो गया, अब हमको क्यू आर, क्यू टू आर जा रहे हैं बराबर, तो आर माइनस क्यू होगा बराबर, तो क्यू आर वैक्टर के लिए आर पॉइंट में से मैं क्यू पॉइंट माइनस करूंगा, बराबर है सर, कर दो। तो आर पॉइंट कौन सा है हमारे पास, आर अल्फा सेवन वन, अल्फा सेवन वन माइनस क्यू पॉइंट तो वही है सर, फाइव बाय थ्री, सेवन बाय थ्री और सेवनटीन बाय थ्री, कर दो फिर इसका सब्स्ट्रैक्शन। क्यू आर वेक्टर कैसे, अल्फा माइनस फाइव बाय थ्री, इसको हमको आई देना है, प्लस सेवन माइनस सेवन बाय थ्री अगर मैं इधर करता हूं, ट्वेंटी वन माइनस सेवन कितना आता है, फोर्टीन, फोर्टी वन बाय थ्री इसको जे करना है, और वन माइनस सेवनटीन बाय थ्री, थ्री इंटू वन, थ्री माइनस सेवनटीन माइनस फोर्टीन, तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस फोर्टीन बाय थ्री के आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा स्टेप वन ख़त्म हो जाता है बराबर, स्टेप वन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, दो वेक्टर हमने फाइंड किए हैं बराबर। अब मैं करूँगा स्टेप टू बराबर, एज एज हमको ये अल्फा, दो वेक्टर है मेरे पास, ये दो वेक्टर में से यहाँ पे एक अल्फा अननोन दिख रहा है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मुझे एक बात चीज़ यहाँ पे पता है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। एज पी क्यू वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर वैक्टर, तो क्या होगा रे, तो क्या होगा सर, दैट इंप्लाइज पी क्यू और क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। पता नहीं है तो ध्यान में रख लो, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि वहां पे कोसाइन होता है, और वहां पे क्या होता है, साइन होता है, साइन जीरो जीरो, सॉरी कोसाइन होता है, और कोसाइन 90 इज जीरो। ओके चलो सर, तो पी क्यू डॉट क्यू आर करता हूं मैं, पी क्यू डॉट क्यू आर इज इक्वल्स टू जीरो है ना, पी क्यू और क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाला इंटू आई वाला जे वाला, पी क्यू यहां पर है, क्यू आर इन क्यू आर यहां पे है, तो सिंपली क्या करते हैं, आई का कोएफिशिएंट इंटू आई का कोएफिशिएंट, तो टू बाय थ्री इंटू अल्फा माइनस फाइव बाय थ्री, प्लस जे वाला इंटू जे वाला, मतलब जे का कोएफिशिएंट इंटू जे का कोएफिशिएंट, तो सेवन बाय थ्री इंटू फोर्टीन बाय थ्री, सेवन बाय थ्री इंटू फोर्टीन बाय थ्री, प्लस के वाला इंटू के वाला, एट बाय थ्री इंटू माइनस फोर्टीन बाय थ्री, एट बाई थ्री इंटू माइनस फोर्टीन बाई थ्री, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। ऐसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बस उनके यूनिट वेक्टर्स, करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। तो आई का कोएफिशिएंट इंटू आई का कोएफिशिएंट प्लस जे का प्लस के का इंटू के का, हो गया डॉट प्रोडक्ट, यही होता है दो वेक्टर्स। ओके, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इक्वल टू जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए। ओके सर, तो आगे बस हमको इसको एक ही अननोन है, मिल जाएगा, मैं मतलब मैं नहीं भी करूँगा तो भी आप कर लोगे, फिर भी मैं आप प्ले कर रहा हूँ। ओके, टू बाय थ्री अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू बाय थ्री अल्फा, टू बाय थ्री इंटू फाइव बाय थ्री, टेन बाय नाइन। ओके सर, हो गया,
एक स्टेप यहाँ पे भी लिख सकते हैं राइट, तो 2/3 अल्फा माइनस 10/9 ये कितना आएगा, 14 × 7 कितना होता है रे 98 होता है क्या, 14 × 5 = 70, 70 + 28 98/9 माइनस 14 × 8 करो अब 102 116 होता है क्या, 116 नहीं होता 112 होता है, 112 राइट =0 आ गया। तो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर 9 ही है, ये तीनों का डिनोमिनेटर 9 है तो उनका मैं कर सकता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है। तो 2/3 अल्फा तीनों का डिनोमिनेटर 9 है ना, तो एक ही बार लिख सकते हैं 9, तो ये कितना हो जाता है रे 98 - 10 = 88 बराबर +88 आ गया, 88 - 112 12 और 12 आई थिंक 24 हो जाता है ना, 112 - 98 करेंगे तो 12 और 2 = 14 हो जाता है, ठीक है बराबर ना, नहीं 88 है, 112 - 88 24 हो जाता है, ओके इक्वल टू क्या दिया है हमको 0 दिया है। तो इसके बाद मैं ये जो 2/3 है अल्फा है ये 24/9 अगर उधर लेके जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा राइट बराबर, और 2/3 उधर लेके जाता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 24 × 3 हो जाएगा अपॉन 2 नीचे आएगा, तो कर दो जो भी है इसका, तो 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24 और 2 × 4 = 8 जो कि अल्फा इज इक्वल टू 4 आया है। दिस इज फाइनल आंसर, अल्फा की 4 वैल्यू मतलब सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर है, क्विकली बता दे रहा हूँ बराबर। तो हमको क्या दिया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया था ये वाला, तो मैंने एक दो लाइन ड्रॉ किया एक पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर, यहाँ से पर ये 103 दिया है इस पॉइंट से डाला है, तो इसको मैंने वेक्टर में कन्वर्ट किया। कैसे करना है, अगर एंड पॉइंट्स मुझे मालूम है, मैंने पी क्यू लिया है, आप क्यू पी भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। तो पी क्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करूंगा मैं क्यू माइनस पी। सिमिलरली यहाँ पे क्यू आर आर क्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेकंड क्यू आर लेना है तो आर माइनस क्यू करके, और जो भी एक्स वाई जेड आएगा आपका उसको बस आई जे के आपको अटैच कर देना है, तो वो वेक्टर बन जाएगा बराबर, आई जे के सब्ट्रैक्शन के साथ मैंने अटैच। तो परपेंडिकुलर बोला है ना क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर है वो दोनों, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जब जब वेक्टर में परपेंडिकुलर चीज़ आती है, दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, इनडायरेक्टली ये बोला जाता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले फटाक से आना चाहिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन दो वेक्टर मेरे पास है, दोनों का डॉट कैसे लेते हैं, आई वाला इंटू आई वाला, जे वाला इंटू जे वाला, प्लस के वाला इंटू के वाला, इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो बस एक ही अननोन है, एक इक्वेशन है, तो उसको बस आपका आगे स्कूल का काम है वो कर दो, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ करना है, और कॉन्फिडेंस कब आएगा, कंसेप्ट क्लियर हो और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो तभी कॉन्फिडेंस आता है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर करना है, हर चैनल के साथ जुड़े रहना है, मिलते हैं अगले सवाल के साथ।